हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एज वेल एज द रेडॉक्स रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन इज व्हाट दैट इज़, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉर्ट या फिर ट्रिक बोल सकते हो आप लर्न करने के लिए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में नॉर्मली जो कोई पूछता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो हम बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे क्या होता है, लॉस होता है, तब हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे याद रखोगे, देखिए हम याद रख सकते हैं दैट इज ऑयल, ओ आई एल, मतलब ओ मतलब क्या, ऑक्सीडेशन इज लॉस। देखिए ये ऑक्सीडेशन स्टार्टिंग में ओ आता है और लॉस जो होता है एल ओ डबल एस, लॉस, यहाँ पे भी ओ आता है, मतलब क्या, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। वैसे रिडक्शन में हम बोल सकते हैं दैट इज रिग, रिग मतलब क्या, आर होता है रिडक्शन, आई इज जी गेन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, दैट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। सो सी हियर, देयर आर फाइव टर्म्स टू डिफाइन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड फाइव टर्म्स टू डिफाइन द रिडक्शन रिएक्शन। सो सी फर्स्ट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, हम बोल सकते हैं डैट इज ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो बोलते हैं डैट इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये जितने भी टर्म्स हैं ना, आप कोई भी पूछेगा तो कौन सा भी एक टर्म बोल सकते हो। यस, यहाँ पे पांच तरीके हैं ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के लिए। सो पहला हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, जो भी हमारा रिएक्शन होता है उसमें हम देखते हैं। तो ये जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे इंक्रीज होगा और कैसे डिक्रीज होगा। देन नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन और स्टार्टिंग में जो हमारा अल्फ़ाबेट है ओ, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो उसका एडिशन करते हैं हम, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। देन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस होता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन सी हियर, दैट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, जो भी हमारा ऑक्सीडेशन का टर्म्स है उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा था, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, अपोजिट, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो वहाँ पे क्या होगा, रिमूवल हो जाएगा। देन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। सो इन ऑक्सीडेशन में पहला एग्जाम्पल है, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट प्रोड्यूस अ कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे कार्बन में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, दैट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट इज अमोनिया। अमोनिया में से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जब होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जब होता है तब क्या बोलते हैं, दैट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट इज सोडियम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस कैसे होगा, सोडियम देखिए एलिमेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करेगा, इसमें से अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो ऐसे आ जाएगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स। जब लूज करता है तो हमारा रिएक्शन इस तरह से हम लिखते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में होता है। देन रिडक्शन में देखिए एग्जाम्पल पहला है, डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या बोलते हैं हम, दैट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। द नेक्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है क्लोरीन के साथ, तो क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब होता है तो क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। देन नेक्स्ट इज लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या और ऐड हो रहा है, देखिए प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने, तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो क्या गेन हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एल माइनस, ये क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नेक्स्ट इज रेडॉक्स रिएक्शन।
सो रेडॉक्स रिएक्शन से ये रेडॉक्स रिएक्शन कंबाइन है दो वर्ड से, यहाँ पे रेड है और ऑक्स है. रेड मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन. तो जब दोनों साथ में होते हैं तो होता है रेडॉक्स रिएक्शन. सो रेडॉक्स रिएक्शन को डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों कैसा हो, साथ में हो, उसे बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. सो सी हियर एग्जांपल, वेयर मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगा? यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम का जो भी अगर कोई भी एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट होगा, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे सिंगल जो भी एलिमेंट होगा उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है? ज़ीरो होता है. ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होता है. या फिर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो खुद के एटम के साथ अटैच हो उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ज़ीरो. तो यहाँ पे O2 है, ये खुद के ही एटम के साथ अटैच है, दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, सेम है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? ज़ीरो. N2 रहा तो ज़ीरो, F2 रहा तो ज़ीरो. जब कोई भी मॉलिक्यूल खुद के एटम के साथ अटैच रहेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ज़ीरो. तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है. सो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है, सो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा ज़ीरो. यहाँ पे देखिए O2 खुद के साथ अटैच है, खुद के ही ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज आ जाएगा ज़ीरो. देन यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ पे कंपाउंड है ये, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है प्लस टू. क्या होता है? प्लस टू. और ऑक्सीजन का होता है माइनस टू. यस, माइनस टू. सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम को देखेंगे तो इधर भी हम मैग्नीशियम को देखेंगे, इधर ऑक्सीजन को देख रहे हैं तो इधर भी ऑक्सीजन को देखेंगे. तो यहाँ पे मैग्नीशियम देखिए, यहाँ पे ज़ीरो है चार्ज, यहाँ पे है प्लस टू. तो क्या हो रहा है यहाँ से? ज़ीरो टू प्लस टू, मतलब जो भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है. जब इंक्रीज़ होता है ऑक्सीडेशन स्टेट तो कौन सा रिएक्शन होता है? डैट इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन. क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का ही मतलब बहुत सारा होता है. क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है. यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो यहाँ पे ज़ीरो हो जा रहा है. यस, दिस इज ऑक्सीडेशन. एक ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज रिडक्शन. यहाँ पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. देखिए ज़ीरो टू माइनस टू हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो जब डिक्रीज होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है? डैट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल इज़, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जिंक और कॉपर का है. तो यहाँ पे हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में देखेंगे. या फिर आप चार्ज का भी कंसिडर कर सकते हो. यहाँ पे जिंक है, जब कोई भी सिंबल रहता है, कोई भी एलिमेंट रहता है तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन चार्ज उसके ऊपर क्या आ जाता है? ज़ीरो. तो यहाँ पे ज़ीरो होगा. यस, यहाँ पे भी ज़ीरो होगा. तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ज़ीरो टू प्लस टू हो रहा है. क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है. तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन. यस, और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिंक, जिंक में यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? प्लस टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्सीडेशन चार्ज प्लस टू है. यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जिंक. जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो कितने, यहाँ पे चार्ज प्लस टू है तो कितने इलेक्ट्रॉन? डैट इज यहाँ पे आ जाएगा टू. हाँ, ऐसे लिखेंगे हम, डैट इज जेड एन प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन. यस, दो इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है. देन कॉपर, कॉपर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. तो इससे लिखेंगे कॉपर प्लस, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा. सो यहाँ पे प्लस टू. सो यहाँ पे मिलेगा हमें डैट इज कॉपर. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्या हो जाएगा? डैट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन. यस,
सो दिस इज़ अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन. आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन सब समझ में आया हो. वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए.